सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड गाइस कल पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 85 आ चुका है एंड साथ ही साथ एपिसोड 86 का प्रीव्यू भी आ चुका है। वैसे भी हमें पता चला गाइस ये जो बैटल होने वाली है दो एपिसोड्स में डिवाइड होने वाली है एंड वैसा ही कुछ हुआ। एपिसोड 85 के अंदर बैटल हो चुकी है आधी, या फिर मैं कहूँ सिर्फ आधे पोकेमॉन हमने देख लिए कि एग्जैक्टली कौन कौन से पोकेमॉन हमें एपिसोड 86 में देखने को मिलने वाले, क्योंकि एपिसोड 85 में गाइस सिर्फ जो है पोकेमॉन रिटर्न खेल रहे थे एंड ऐसे हमने सारे पोकेमॉन देख लिए। सिर्फ ऐश का एक पोकेमॉन जो है गाइस वो हमने नहीं देखा कौन सा है, तो वो भी हमें प्रीव्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम किस पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइस पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 85 जो आ चुका है गाइस, मैं उसका आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आपको एपिसोड 86 का प्रीव्यू आसानी से समझ में आए। एंड उसके बाद गाइस हम देखेंगे पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 86 का प्रीव्यू एंड उसके बारे में हम बातें करेंगे। एंड उसके बाद गाइस हमारा थर्ड पॉइंट है कि क्यों जब ऐश अपने लुकारियो को मेगा लुकारियो कर रहा था तो वो क्यों मेगा लुकारियो नहीं हुआ। एंड गाइस पॉइंट 4 बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो गाइस, इसमें ही मैंने बता दिया था इस पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 85 में भी हमें ऐश का मेगा लुकारियो जो है वो बनते हुए नहीं दिखेगा, ऐश का लुकारियो मेगा नहीं होगा। यानी ऐसा ही हुआ है गाइस, क्योंकि मुझे पता था इसको इतनी जल्दी जो है वो हाइप जो बनी वो इतनी जल्दी वो हाइप नहीं तोड़ेंगे, वो एपिसोड 86 में एक अच्छी बैटल के अंदर ही ऐश के लुकारियो को मेगा लुकारियो करेंगे। एंड वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन एपिसोड 86 में एपिसोड 86 के प्रीव्यू में हमें मेगा लुकारियो देखने को मिला वो अलग बात है। तो गाइस अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट रहने वाला गाइस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 86 में एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस वीडियो बड़ी हो सकती है, तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस बात करें पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 85 की, तो स्टार्टिंग के जो 8 से 10 मिनट है गाइस वो तो साइड कैरेक्टर पे ही फोकस था, जैसे कि गाइस कोरिना को दिखाया, उसके लुकारियो को दिखाया, उसके बाद कोरिना एंड जो बिया की फ्रेंडशिप है गाइस वो दिखाई एक तरह से, एंड उसके बाद गाइस ऐश कोरिना एंड जो बिया थे गाइस तीनों ने खाना खाया, साथ गोभी था, उन दोनों के पोकेमॉन्स की राइवलरी दिखाई, सब ने एक साथ खाना खाया। एंड गाइस उसके बाद जो है गाइस रात हो गई और सब सो गए। एंड गाइस उसके दूसरे दिन था गाइस मैच। सो गाइस मैं अब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एग्जैक्टली ऐश वर्सेस बिया के मैच में क्या हुआ। तो ऐश ने अपना फर्स्ट पोकन चूज किया गाइस पिकाचू, एंड गाइस जो कुपिया है उसने अपना फर्स्ट पोकन भेजा गाइस ग्रैपलॉक। तो पिकाचू और ग्रैपलॉक की काफ़ी अच्छी मैच चल रही थी, पिकाचू जो गाइस बहुत गंदी तरह से मार खा रहा था, इसलिए ऐश ने अपने पिकाचू को वापस बुला लिया एंड ऐश ने अपना सेकंड पोकन चूज किया गाइस लुकारियो। उसके बाद गाइस मैच हो रही थी ग्रैपलॉक वर्सेस लुकारियो, मैच भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तभी बिया ने अपने ग्रैपलॉक को वापस बुला लिया एंड उसने अपना सेकंड पोकन चूज किया गाइस हॉलुचा। उसके बाद गाइस मैच हो रही थी हॉलुचा वर्सेस लुकारियो की, जो मैच भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। एंड गाइस उसके बाद गाइस फिर से बियान ने अपने हॉलुचा को रिटर्न कर लिया एंड उसने अपना थर्ड पोकन भेजा गाइस मचैम्प। एंड उसके बाद गाइस मैच हो रही थी मचैम्प वर्सेस लुकारियो की, काफी अच्छी तरह से मैच चल रही थी गाइस, लेकिन जो मचैम्प है गाइस लुकारियो को बहुत ही गंदी तरह से पीट रहा था। एंड गाइज ऐसी धुलाई करते करते जो मचैम्प पे गए वो लुकारियो को एक होल्ड में फंसा लेता है, अपने चारों हाथों से वो लुकारियो को जकड़ लेता है, लुकारियो हिल भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी गाइज ऐश सोचता है कि वो अब मेगा करेगा, इसलिए वो अपने की स्टोन को हाथ लगाते हैं और वो चमक दिखती है वो मेगा करने ही वाला था, लेकिन तभी गाइज जो ऐश का लुकारियो मेगा होने से मना कर देता है, क्योंकि जो मचैम्प था गाइज वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में था, इसलिए वो भी एक नॉर्मल फॉर्म में ही ये मैच जीतना चाहता था, इसलिए वो गाइज वो मचैम्प को एक हेडबट देता है और वो जो सबमिशन होल्ड था गाइज उससे छूट जाता है। एंड गाइज इसके बाद जो है लुकारियो और मचैम्प पे से फोकस हट जाता है एंड लियोन पे फोकस होता है, और लियोन वहाँ पे आता है एंड कहता है सॉरी फॉर लेट, यानी कि ये मैच में गाइज इस एपिसोड में गाइज लियोन भी अपेयर हुआ था लास्ट में। एंड जो लियोन है गाइज वो वापस से मैच देखते हैं जो कि मैच चल रही थी गाइज मचैम्प वर्सेस लुकारियो की, एंड ऐश अपने लुकारियो को एक अटैक करने के लिए बोलता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अब इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करने वाले हैं, तो गाइस आप चलिए देखते हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 86 का प्रीव्यू। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैपलॉक एंड पिकाचू की फिर से रीमैच होगी गाइज एपिसोड 85 में, जब इन दोनों की मैच होती गई इन्हीं पोकेमॉन्स के साथ दोनों ने स्टार्ट किया था, ऐश ने उसके पिकाचू को यूज किया था और बिया ने उसके ग्रैपलॉक को, लेकिन बाद में जब पिकाचू हार रहा था तो ऐश ने उसे वापस बुला लिया, और बाद में जब लुकारियो है तो गाइज जो बिया थी उसने भी अपने ग्रैपलॉक को वापस बुला लिया। बेसिकली इन तीनों के तीनों पोकेमॉन अभी तक गाइज मतलब एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है। तो वापस से जब हमने एपिसोड 85 के लास्ट में देखा था कि मैच हो रही थी मचैम्प वर्सेस लुकारियो की और दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो मुझे लगता है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दोनों उन पोकेमॉन्स को वापस बुला लेंगे, वापस जो उनके पहले पोकेमॉन थे जिन्होंने उन्हें रिटर्न किया था, और वापस से वो मतलब अब तक तब बहुत थके हुए थे लेकिन अब दो शायद से हील हो चुके होंगे, इसलिए दोनों ने वापस अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजा है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले। तो चलिए प्रीव्यू देखते आगे।
एक मिनट गाइस, ऐश का सरफेस्ट, ऐश ने एपिसोड 85 में ऐश ने सिर्फ अपने दो पोकन यूज़ किए थे, जो कि था पिकाचू एंड गाइस उसका लुकारियो। उसने सरफेस्ट को यूज़ नहीं किया था, इसका मतलब गाइस ऐश का थर्ड पोकन उसका सरफेस्ट रहने वाला है। एंड गाइस सरफेस्ट की मैच होने वाली है बिया के हॉलूचा के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ओ माय गॉड गाइस, लुकारियो मतलब एपिसोड 85 के लास्ट में हमने देखा था कि वो कर रहा था, लेकिन तब वो हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेगा लुकारियो वैसा ही लग रहा है जैसा कि होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं है, नॉर्मल मेगा लुकारियो की तरह ही ये दिख रहा है यार। और ये कौन सी मूव यूज़ कर रहे हैं? एंड गाइस दिस इज जिगांटामैक्स मचैंप। बियॉन्ड कौन सी मूव कर रहा है? आई थिंक फोकस पंच या फिर डायनामिक्स पंच कर रहा होगा, क्योंकि ये पंच मार रहा है तो मुझे लगता है उन दोनों में से कोई एक मूव ये कर रहा है। लेकिन यार लुकारियो कैसे इसके एक मुक्की में तो ढेर हो जाएगा यार। ओ माय गॉड, ये कौन ऑरोस्फेयर इतना बड़ा है? नॉर्मली मैंने ऑरोस्फेयर देखा होगा जो फुटबॉल की साइज, जो फुटबॉल जितना होता है उतनी ही साइज का ऑरोस्फेयर होता है, लेकिन दिस इज मेगा या फिर अल्ट्रा, आप इसे कह सकते हैं अल्ट्रा ऑरोस्फेयर या फिर मेगा ऑरोस्फेयर। और अब तक बात करेंगे कोरिना का जो मेगा लुकारियो है उसका भी मैंने ऑरोस्फेयर यूज़ करते देखा, लेकिन इतना बड़ा ऑरोस्फेयर मैंने अब तक तो नहीं देखा है। तो शायद से ये ऐश के लुकारियो की स्पेशल मूव हो सकती है, या फिर बाकी के लुकारियो भी कर सकते हैं मेगा लुकारियो, पता नहीं यार, ये तो हम आगे देखेंगे अब। एंड गाइज आप देखते यार वो जिगांटामैक्स मचैम्प का वो जो डायनामैक्स पंच होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डायनामाइट पंच ज़्यादा स्ट्रांग होता है या फिर ऐश का मेगा ऑरोस्फेयर। तो गाइज इसी के साथ प्रीव्यू खत्म होता है। तो गाइज ये प्रीव्यू इतने ही था, लेकिन आगे हम बात करने वाले गए इसकी एग्जैक्टली इस एपिसोड में एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल गाइज अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की, जो कि गाइज क्यों जब ऐश अपने लुकारियो को मेगा कर रहा था तो आखिर क्यों लुकारियो मेगा लुकारियो नहीं बना। तो गाइस ऐश के लुकारियो के मेगा ना होने के पीछे दो बड़े रीजन है, आपको जो रीज़न अच्छा लगे आप वही रख लो। तो गाइस फर्स्ट रीज़न ये है कि जब मैच हो रही थी गाइस मचैम्प वर्सेस ऐश के लुकारियो की, और जब मचैम्प ने लुकारियो को एकदम सबमिशन होल्ड में डाल दिया था, तब गाइस वो फंस चुका था और ऐश सोच रहा था अगर वो मेगा करेगा तो इस वो जो उस होल्ड में फंसा था उससे वो निकल जाएगा, और लुकारियो यही नहीं चाहता था, वो किसी और मतलब यानी कि वो मेगा पावर की वजह से इस लोग मचैम्प को हराना नहीं चाहता, वो चाहता था कि वो खुद की जो फुल पोटेंशियल है गाइस वो यूज़ करके वो ये मैच जीते। इसलिए गाइस उसने जो गाइस मेगा पावर का यूज़ नहीं किया, यानी कि मेगा इवॉल्व नहीं हुआ, वो खुद की मेहनत से यानी उसे हेड बट दिया एंड उसके बाद उसे ओवर पावर करके जो गाइज वो उस जो सबमिशन होल्ड था गाइज उससे छूट गया। ये है गाइज फर्स्ट रीजन, इसलिए वो मेगा नहीं हुआ। सो गाइज अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, क्यों आखिर वो मेगा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके पीछे गाइज पोकेमोन फ्रेंचाइज का हाथ है, क्योंकि पोकेमोन वाले नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी वो मेगा हुआ, अगर वो ये चाहते थे तो वो एपिसोड 84 में उसे मेगा कर सकते, लेकिन उन्हें वो हाइप क्रिएट करके रखनी थी कि मेगा वर्सेस जिगांटामैक्स, क्योंकि ऐसा अब तक एनिमे में कभी भी नहीं हुआ कि इतने बड़े साइज का पोकेमोन एक मेगा पोकेमोन से लड़े, और ये जो हाइप क्रिएट हुई होगा वो ऐसे ही बढ़ा के रखना चाहते थे, और अगर ये खत्म करनी होती तो एपिसोड 85 में भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो गाइस उन्होंने जो स्टेज था गाइस वो सजा के रख दिया है, और एपिसोड 86 में वो खतरनाक बैटल होने वाली है मेगा वर्सेज जिगांटामैक्स, और एक एपिक बैटल हो सकती है, क्योंकि अब तक पोकेमोन एनिमे के अंदर इतनी बड़ी बैटल हुई नहीं और शायद से हुई भी ना, इसलिए वो जो है गाइस वो जो ऐश का मेगा लुकारियो गाइस वो उसे बचा के रखना चाहते थे, और वो जो गाइस एपिसोड 86 में दिखाना चाहते, और ये मुझे अच्छा लगा यार, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और मुझे तो ये पसंद आया। सो गाइस अब बारी है हमारे फोर्थ सेगमेंट की, जो सेगमेंट है गाइस एक्सप्लेनेशन। सो गाइस अगर बात करें पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड 86 की, तो ये पूरा का पूरा एक गाइस बैटल एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर गाइस बहुत ही ऑसम बैटल होने वाली है ऐश वर्सेस गे बिया की, वो तो पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड 85 में भी हुई, लेकिन वहाँ पे कोई भी पोकेमोन नहीं हारा, सिर्फ पोकेमोन रिटर्न खेल रहे थे, जिसके अंदर हमने बीआई के तीनों पोकेमोन देख लिए, जो कि गाइस ग्रैपलॉक मचैम्प एंड हॉलूचा, नेक्स्ट हमने टू पोकेमोन देखे पिकाचू एंड लुकारियो, और प्रीव्यू के अंदर हमें पता चला कि ऐश का तीसरा पोकेमोन रहने वाला है सरफेस्ट। तो ये 3-on-3 बैटल होने वाली है, और हमने देखा किसकी किसकी बैटल होने वाली है, तो गाइस पिकाचू वर्सेस ग्रैपलॉक की फिर से मैच होने वाली है, उसके बाद ऐश अपना थर्ड पोकेमोन यूज करने वाला है सरफेस्ट, और उसकी बैटल होने वाली है हॉलूचा के अंदर, मतलब हॉलूचा के साथ, लेकिन इसके अंदर कौन जीतने वाला हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पिकाचू वर्सेस ग्रैपलॉक के बीच में भी नहीं पता, और सरफेस्ट वर्सेस हॉलूचा के बीच में भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो गाइस लास्ट वाले मैच होने वाली है लुकारियो वर्सेस मचैम्प, या फिर मेगा लुकारियो और जिगांटामैक्स मचैम्प।
एंड गाइज ये जो बैटल होने वाला है लास्ट बैटल होने वाला है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे यार तो एपिसोड 85 के लास्ट में यार ये दोनों मैच में थे तो सबसे पहले इनकी मैच होगी। तो गाइज मुझे लगता है जैसे कि हमने एपिसोड 85 में देखे दोनों बकन जो गाइज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो दोनों ट्रेनर जो है अपने अपने बकन को वापस ले लेंगे एंड वो ऐश भेजेगा अपने पिकाचू को वापस से क्योंकि वो रिकवर हो चुका होगा एंड बिया भी अपने ग्रैपलॉट को भेजेगा और इन दोनों के बीच में फर्स्ट मैच होगा। उसके बाद सेकेंड मैच शायद सर्फेस्ट वर्सेज फॉलूचा एंड थर्ड मैच लुकारियो वर्सेस मत चैम्प एंड इसके साथ गाइज जो ये मैच जीतेगा गाइज वो ऊपर जाएगा, जो हारेगा उसके बारे में तो हमें पता लेकिन ये बैटल काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियोज देखने के लिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं इसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।